हेलो फ्रेंड्स, माय नेम हसन अली बेजरानी। आई विल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है अबाउट स्वाइन कॉटन की सीज़न स्टार्ट हो गई है सिंध केला में। इस वीडियो को पूरा देखें एंड आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कॉटन की स्वाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो चैनल। कॉटन एक फाइबर क्रॉप है कि पाकिस्तान में सबसे हाई प्रोडक्शन देने वाला क्रॉप है और दूसरा के एशिया में तीसरे नंबर पे ये क्रॉप है और दुनिया में सातवें नंबर पे ये पाकिस्तान का नाम आता है कॉटन क्रॉप में। आप देख सकते हो ये हमारा एक किस्म का चाचा है, यह काम कर रहा है कि कॉटन की किस किस्म की स्विंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये छोटी सी लैंड है हमारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए है कि इसके ऊपर हमने तीन किस्म की वैरायटी कॉटन की लगाई है। यहाँ पर तीन किस्म की वैरायटी है कि वैरायटी का मकसद यही है कि हमने 1, 2 और 3 वैरायटियाँ लगाई है। हम इसको कैसे करेंगे, अभी जब ये तैयार हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, हम इसको क्रॉप पॉलिनेट करेंगे। क्रॉप पॉलिनेट करने के बाद इसकी जो थर्ड जनरेशन निकलेगी हम उसके ऊपर 3 से 4 साल ऊपर काम करेंगे। करने का मकसद यही है कि तीसरी किस्म की जनरेशन जो निकल रही है वो कितनी हाई यील्ड देती है सिंध में के इलाके में। आप देख सकते हो कि हमारे पास पाकिस्तान में सबसे हाई प्रोडक्शन देने वाला कॉटन क्रॉप है और सबसे ज़्यादा कॉटन क्रॉप पाकिस्तान में होता है। उन्हें ये हमारे पाकिस्तान की नीड भी कंप्लीट हो जाती है और हम दूसरे भी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात आपको ये शेयर करूँ तो कि कॉटन को सिल्वर क्रॉप कहा जाता है और दूसरा जो हाई इकोनॉमी रोल पेश करता है पाकिस्तान के इकोनॉमी में। दूसरा नंबर आपको ये बताऊं कि कॉटन की जो स्वाइंग होती है वो ड्रिपलिंग होती है, वो रो में रोम होती है कि ड्रिपलिंग होने के बाद ऑटोमेटिक 3 से 4 दिन के बाद है या एक वीक के बाद है वो जर्मेशन आराम से हो जाती है। आगे हम चलेंगे, चाचा है खड़ा हुआ कि इसको ब्रीफिंग देगा कॉटन की सीड के बारे में और यही बताएगा कॉटन किस किस्म की होती है और कैसे होती है। ये इसकी ब्रीफिंग सुनो और लास्ट में ये वीडियो पूरा देखो कि आपको फुल नॉलेज हो जाएगी कॉटन के बारे में। थर्ड जनरेशन कढ़ा किथे सप्लाई कह यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर।